तो फिर से आज हमारे चौथे वीडियो आज के दिन की कट ऑफ को लेकर जो हमारे पोस्ट कोड है जिसमें आपकी एक लेबोरेटरी अटेंडेंस की ईस्टर्न रीजन की तीनों पोस्ट वो आपके ईस्टर्न रीजन की है जो आपने थंबनेल में देखा होगा। लेबोरेटरी अटेंडेंस और आपके ऑफिस अटेंडेंस और आपके फील्ड अटेंडेंस की आपकी ये पोस्ट है जिसकी हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए तो सीधे हम आ जाते हैं पीडीएफ ओपन करते हुए। तो देखो सबसे पहले हम आपके फील्ड अटेंडेंस की आपके सामने ओपन है ER16023। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक मिनट देव नोटिस किसका है मैं तो सुनना तो ER16023 बिल्कुल अपना यही पोस्ट है। तो 16023 और यहाँ पे अगर हम आपके कौन कौन सी आपके डिपार्टमेंट है 16023 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसमें अगर हम आपके यूआर की बात करते हैं देखो यानी कि इसमें आपके यूआर के कट ऑफ आपके 110, ये तो आपकी ये बात होगी 50 आपकी कट ऑफ गई थी। नेक्स्ट आपके 2023 में आपके फिज 11 में, तो यहाँ पे आपके वैकेंसी की बात करें तो आपके 19 वैकेंसी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 वैकेंसी थी आपके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 वैकेंसी है। और यहाँ से अगर हम आपके देखें चलो तो आपके बाद आपके कितने वैकेंसी है वो है आपके 22 वैकेंसी यानी कि आपके 3 वैकेंसी आपके ज्यादा है। तो यहाँ से अगर हम कट ऑफ को अगर देखें तो यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने के चांस आपके बन सकते हैं, तो कट ऑफ रहने के चांस आपके बिल्कुल इसी के आसपास बनेंगे यानी कि यूआर के आपके 145 के आसपास आपके बन सकती है सीबीटी वन की कट ऑफ। फिलहाल अभी देखो सीबीटी वन की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। और देखो फाइनल कट ऑफ में आपको फेज 11 की जिन किसी पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया होगा उनकी हम आगे बात करेंगे जब आपके आंसू की वगैरह रिजल्ट आपके आ जाएगा तब। तो ये तो आपके बात होगी यूआर के 145 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है और ओबीसी के आपको 4 नंबर कम यानी कि 140 के आसपास आपके ओबीसी के देखने को मिल सकते हैं सीबीटी वन की, सीबीटी वन की कट ऑफ। तो ये आप पर ध्यान रखना, तो ये बात आपके कंफर्म हो गई। बाकी आप अपनी कैटेगरी को देख लेना कि आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे आप देखना इसमें आप देखना कि आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। आपको यहाँ पे सॉरी वो डिटेल शायद आपकी गलत थी, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा देखो मिस्टेक हो गई है, देखो वापस देख लेते हैं। देखो जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपकी 150 कट ऑफ गई थी तो 150 यानी कि 145 आपके आपकी बार भी जा सकती है, तो 140 के आसपास आपके आपकी बार ओबीसी में भी आपके जा सकते हैं। तो आप कैटेगरी के हिसाब से आपने देख लेना कि किस कैटेगरी में आपके आपके कट ऑफ कम जा रही है और कितनी कम जा रही है कैटेगरी के हिसाब से। तो ये आपकी बात होगी आपके फील्ड अटेंडेंस की। भी नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके फील्ड नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके ऑफिस अटेंडेंस की। ऑफिस अटेंडेंस 16/3/23 तो यहाँ पे आप देखिए 16/3/23 16/3/23 16/3/23 16/3/23 ये आपके ऑफिस अटेंडेंस की हो गई। यहाँ पे यूआर की कट ऑफ गई थी आपके 154 गई थी। प्रीवियस ईयर आपके अगर वैकेंसी देखें तो आपके 35 वैकेंसी थी और अब की बार आपके वैकेंसी है 39, 39 आपके वैकेंसी है और पिछली बार आपके थी 35 यानी कि 4 वैकेंसी आपकी बार आपके ज्यादा है यानी कि आपकी बार आपके जो कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे वो आपकी बार इसी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे यानी कि 150 के आसपास आपके
150 से आपके 155 के आसपास आपके कट ऑफ रहने के चांस बन सकते हैं। बाकी आप कैटेगरी देखना आपके ओबीसी की, तो ओबीसी में आपके 49 रहने के 146 के आसपास आपके ओबीसी में भी आपके सीबीटी वन की कट ऑफ रहने के चांस बन सकते हैं। देखो ये जो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिकुलेशन की पोस्ट होती है उसमें आपके फाइनल सिलेक्शन आपके 20 नंबर तक आपकी कट ऑफ बढ़ जाती है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यानी कि 170 नंबर आपके होने चाहिए, यानी कि 60 70, 1 मिनट, 80 क्या बोलते हैं, 85 के आसपास आपके लगभग क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, तो भी तो ही आपके लगभग मेट्रिकुलेशन की पोस्ट में आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। बाकी अगर देखें किस प्रकार के आपके एग्जाम, यानी कि एग्जाम का लेवल आपके लगभग ईजी था, बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे कि बहुत ही ईजी था, यानी कि आराम से हम क्वेश्चन कर सकते थे, तो इसी के बेस पर आपके कट ऑफ पाई जाने के चांस बन सकते हैं। भी फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि किस टाइप का पैटर्न था, कौन से यानी कि नए कैंडिडेट ज्यादा थे या फिर पुराने ज्यादा थे, तो उसके बेस पे हम अभी कट ऑफ को डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम प्रीवियस बेस पे हम कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बात होगी। अभी हम देखते हैं आपके नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लेबोरेटरी अटेंडेंस की। जिसमें आपके पिछली बार आपके 6 पोस्ट थी और अब की बार आपके पोस्ट है 5। अब की बार आपके पोस्ट है 5, यानी कि लगभग बराबर ही आपकी पोस्ट है, कोई जितना इक्वल ही है। तो यहाँ पे देखते हैं आपके मेट्रिकुलेशन की आपकी वैकेंसी थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 11 3 23, तो देखो 11 3 23 यहाँ पे अगर हम आपके बात करें की तो आपके 154 जा रहे हैं। लेकिन देखो इसमें आपको एक आपने देखा होगा कि जहाँ कोई भी आपकी मेट्रिकुलेशन की पोस्ट है उसमें आपके सब में आपके 150 के आसपास से आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आप तो ये मान के चलो कि आपके जो मेट्रिकुलेशन आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसमें आपके सिर्फ आपके 10 पास मांगा गया है, तो आपको 150 तो आपके सीबीटी वन में आपके स्कोर होना ही चाहिए। तो ये बात तो आपको कन्फर्म है कि 150 50 प्लस आपकी कट ऑफ जाने वाली है सीबीटी वन में मैट्रिकुलेशन में। कैटेगरी में आप देखते हैं कि वो आपके बात है 11 3 23 लेबोरेटरी की पोस्ट, यानी कि 5 नंबर का आपके डिफरेंस है सिर्फ आपके यूआर और ओबीसी में 5 नंबर का। तो आपको ये भी आइडिया हो गया कि कितनी कट ऑफ रहने के चांस बन सकते हैं आपके लेबोरेटरी अटेंडेंस में। फाइनल कट ऑफ आपके मेट्रिकुलेशन में 20 नंबर ज्यादा होगी, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपको देखो अगर आपके कुल नंबर देखो क्या बोलूँ मैं आपको, अगर नॉर्मलाइजेशन का अगर आपको स्कोर बताऊँ, अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अगर आपने 75 अगर क्वेश्चन भी आकर आपके राइट है, अगर आपके 75 क्वेश्चन भी अगर आपके राइट हो जाता है एक्यूरेसी के साथ, यानी कि 95% या फिर 90 के आसपास, तो आपको लगभग 10 से आपको 15 नंबर का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन में, तो यानी कि आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ सकता है। तो ये बात होगी। तो यानी कि तीनों पोस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया कट ऑफ को लेकर। बाकी आपको किस पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।